इन वादियों में 2 दिन गुजारने के बाद अभी चैन नहीं आया था। अभी और घूमना था, अभी मन भरा नहीं था, अभी और चीजें देखनी थी। और देखिए, हाँ जी, गुड मॉर्निंग दिलबरोस। और बात कुछ ऐसी है कि आज हमारा 3rd डे स्टार्ट हो चुका है श्रीनगर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल थी, काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था, बट आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और एक और जो सबसे बड़ा हाईलाइट है आज के दिन का, वो ये है कि आज हम शिकारा में बैठने वाले हैं, वो दल लेक जाएंगे हम। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स है जिसको बोलते हैं फिरन, वो मैंने ले लिया। कांगड़े वगैरह वहीं मिल जाएगी। एक और जो मुझे इतनी मस्त चीज़ लगी है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो ये है कि यहाँ पर हमें ईगल्स इतने पास देखने को मिल रहे हैं। या तो हम लोग हाइट पर हैं या फिर ईगल्स ही इतनी नीचे उड़ रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है इनको देख के, ऐसा लग रहा है खा जाएंगे अभी के अभी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन नज़ारा देखा। ऐसी रंगीनियों में खो गया जहां पर सिर्फ शायद दुआएं बसती थी और कुछ नहीं। तो दिलबरोस, अभी मैं आ चुका हूँ शिकारा पर और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी ऐसे हमने अपनी पोशाक पहन ली है और बड़ा फन सा लग रहा है। इतना ज्यादा वॉर्म है, जैसे मैंने जैकेट उतारी तब तो मुझे काफी ठंड लग रही थी, बट जैसे मैंने अपना फिरन पहना तो काफी ज्यादा वार्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मतलब मेरी खुशी का ना कोई ऐसा लग रहा है, मतलब एंड नहीं लग रहा, इतनी लिमिटलेस लग रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और बाकी सारी बातें चलती रहेंगी, अब आप व्यूज एंजॉय करें। आप लोगों ने दिल्ली के मीना बाजार के बारे में तो सुना ही है ना। आए हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। ये वाला मीना बाजार नहीं, हम आपको राबता करवाएंगे कश्मीर के मीना बाजार से। तो हाँ जी दिलबरोस, अभी हम घूमते घूमते शिकारा पर यहाँ पहुँचे, अभी मीना बाज़ार पर। और इससे पहले थी फ्लोटिंग मार्केट और ये मीना बाज़ार, मतलब डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ये कि पानी पर सारी मार्केट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फन कर सकते हो आप। यहाँ पे हैंडलूम्स की शॉप है, ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, वही जो यहाँ पे कश्मीर की जो मेन मेन चीज़ें होती हैं। आप सोवेनियर्स भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहें तो। और हम पोशाक में घूम रहे हैं आज। काफ़ी लोगों ने काफ़ी मरतबा हमें कहा कि आपकी पोशाक बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये पूरा एरिया है मीना बाज़ार, तो घूमते घूमते आपको दिखाई देंगे। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी अपडेट देते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर हैदर की शूटिंग हुई थी। तो मतलब काफ़ी स्पॉट्स है कश्मीर में जहाँ पे डिफरेंट मूवीज़ की शूटिंग हुई थी। अभी मैं जगह देख रहा हूँ जहाँ पे मिशन कश्मीर की हुई थी, जो बुमराह वाला सॉन्ग है, और काफ़ी मूवीज़ की देखी, बट यहाँ पर तो पर्टिकुलरली हैदर की शूटिंग हुई थी। और अगर आप कश्मीर आए और कश्मीर आके आपने कावा नहीं पिया तो आप कश्मीर आए ही क्या।
तो बात कुछ ऐसे कि अभी हम घूमते घूमते मीना बाजार से होते हुए यहाँ पहुँचे नेहरू गार्डन में, और नेहरू गार्डन बीच में जो दल्ले के उसके बीच में गार्डन बना हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। ऑल दो मैं जिस टाइम पर आया हुआ हूँ यहाँ पर, अभी किसी भी गार्डन में अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पर कोई भी फूल नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी स्प्रिंग नहीं, अभी विंटर से चल रही है और इस बार विंटर ज़्यादा ही है। तो बस ये सीन है, ये बताना था। बट हम नेहरू गार्डन आए और इसकी झलक हम आपको ज़रूर पेश करेंगे। और ऐसा शिकारा के बाद हम लोग गए शहर की जान में। वो होता है ना एक बाजार एक शहर में, जहाँ पर आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिलती हैं, दुनिया के सारे वो लोग मिलते हैं जिनसे आप कभी मिलना नहीं चाहते हो। तो बस वही एक बाजार कश्मीर में भी है, और उसका नाम है लाल चौक बाजार। अब हम तो किसी को कश्मीर में जानते नहीं, तो हमें तो कोई टकरा नहीं, लेकिन हमें जो टकरा वो थी यहाँ की You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. और हाँ, हमने कश्मीरी वाजवा भी खाया। Jumping from cliffs so high. Trust in our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. हमारा डे 3 फिनिश करके हम लोगों ने अपना डे 4 स्टार्ट करा बाय विजिटिंग शालीमार बाग। शालीमार बाग वही कुर्बान वाला, याद रख। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट मेरे को एक चीज़ का रिग्रेट ये हो रहा है कि काश स्प्रिंग टाइम या समर टाइम में हम आए होते यहाँ पर, तो सारे जो यहाँ पे फ्लावर्स है ना वो एकदम मतलब एकदम ब्लूम कर चुके होते, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। बट इस टाइम पर मतलब थोड़ा ड्राई ऑब्वियसली, क्योंकि विंटर्स हैं, और सामने हमें हिमालयस दिख रहे हैं, पीछे डल लेक दिख रही है। यही तो ज़िंदगी चाहिए, बस यहाँ पे अगर मेरा एक दरबार बन जाए ना बीच में और मैं वहाँ पसर जाऊँ, हो और कहवे पियो सारा दिन, माशाल्लाह। हाँ जी दिलबरोस, तो मैं आपका टूर गाइड यथार्थ फिर से आपके सामने आ चुका हूँ, और बात कुछ ऐसी कि इस टाइम पर हम आए हैं श्रीनगर के सबसे फेमस गार्डन में, जिसका नाम है शालीमार बाग, जिसको सब जानते हैं, जिसके बारे में इतनी चर्चा होती रहती है, बहुत ब्यूटीफुल है। वही बात है, समर्स में आते तो और ब्यूटीफुल होगा, इंशाल्लाह अगली बार आएंगे, बट अभी ये जो देखने में मज़ा आ रहा है वो हो, और ये जो फाउंटेन चल रहा है ना ठंड में, मतलब कहने को तो मज़ा आ रहा है बट अंदर जो थर 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 हम कांप रहे हैं ना, वो बात अलग हो रही है। बट कुछ नहीं होता, कहवा पियेंगे। बागों से गुफ्तगू करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि देखो दुनिया में कोई तो है
जो हमें सबको ऊपर से देख रहा है, जो सबकी सलामती चाहता है, जो ये दुनिया चला रहा है, हम सबका पीर। तो हम लोग गए हजरत बल दरगाह, हम सबकी, जो ये चैनल देखते हैं सिर्फ उनकी नहीं बट सबकी खुशामदीद की दुआ करने। तो दिलबरोस, अभी मैं पहुंच गया हूँ हजरत बल दरगाह में, और सबसे अच्छी चीज़ जो आज हमारे साथ हुई है वो ये हुई है कि आज यहाँ पे बड़ा दिन है। बड़ा दिन इनका रिलेटेड होता है कोई फुल मून से या न्यू मून से, ऐसा कुछ होता है। तो उसकी वजह से बहुत ऑस्पिशियस डे है, और हमें ये नहीं पता था जब, मतलब जब हमने आज का प्लान करा था सिटी टूर में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज जो है काफ़ी स्पेशल रहता है, काफ़ी लोग आते हैं अभी मतलब प्रे करने के लिए। बात कुछ ऐसे कि जो हजरत बल दरगाह है या फिर हजरत बल श्राइन, आप इसे कुछ भी गए, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके दाढ़ी का एक बाल है जो अंदर है, मतलब, और साल में 10 बार ही उसको दिखाते हैं। जो आज मैंने आपको बताया था बड़ा दिन है, तो आज से वो शुरू हो गए, मतलब आज नहीं दिखाया बट कल से वो दिखाना स्टार्ट करेंगे, दिन में 5 बार हर नमाज के बाद। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं लोग, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़। और हजरत बल दरगाह के बाद हम लोग थम गए और सिर्फ शुक्रान में रहे कि हम ये सब पल जी पाए। एज अ फैमिली हम लोग इतने सालों के बाद एक ट्रिप पर जा पाए, तो बस इसी ग्रैटिट्यूड के चलते हमने अपनी ट्रिप को एंड करा। और रात को लेक के किनारे बैठ के हसीन गाने सुनते हुए, सूरज को आते हुए देखा, रात को जाते हुए देखा, और उन यादों को बस दिल में बसाते हुए हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज यथार्थ गांधी, यू आर वॉचिंग यथार्थ टॉक्स। अगली वीडियो में मिलते हैं। टूडल्स।